बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के, सिंह राशि की आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। अब सबसे पहले ध्यान क्या देना है, इस वर्ष इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है, परिवार का विशेष ध्यान रखना है, कहीं बड़ा पैसा एक साथ बिजनेस इत्यादि में लगाने में सावधानी बरतना है। बृहस्पति नवम भाव में गोचर करके लग्न को दृष्टि आपकी राशि को दृष्टि दे रहे होंगे। भाग्य बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, संतान का सुंदर योग बनेगा और मई के बाद प्रोफेशनल लाइफ, वाहन और मकान को लेकर के भी आपका सुख जरूर प्राप्त होगा। जहां आप चाहते हैं वहां आपका ट्रांसफर इत्यादि हो, ऐसी परिस्थिति आपके लिए है। सूर्य को हर रविवार कम से कम जल देते रहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे कन्या राशि को लेकर के, जहां पर केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। मई तक बहुत सावधान रहना है, ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में काम करने से मई तक आपको बचने की आवश्यकता है। मई के बाद बृहस्पति 9th हाउस में आएंगे, भाग्य स्पीड से साथ देगा, आपकी राशि को दृष्टि देंगे, पंचम भाव को दृष्टि देंगे, परिस्थितियां बेहतर रहेगी। बुधवार को किसी बच्चे को गिफ्ट जरूर दिया कीजिए। बात करते हैं अगली राशि तुला को लेकर के, शुक्र कृत राशि है, काल पुरुष की सातवीं राशि है और यहां पर परिस्थिति आपके लिए राहु का 8th हाउस, राहु 6th हाउस में रहेंगे, पंचम भाव में शनि गोचर करने वाले हैं, बृहस्पति 7th हाउस में गोचर करेंगे। मैरिज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व होने वाली है, इसको ध्यान रख लीजिए। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे होंगे सभी के साथ और आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि बढ़ने वाला है। लाभ भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने से शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको सुंदर लाभ प्राप्त होने वाला है। बट हाँ, संतान को लेकर के जो चिंताएं थी वो करीब वर्ष के अंत में जाकर के दूर होंगी, प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत रहेगी। मुझे लगता है कि इस वर्ष आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को श्रृंगार दान जरूर करें, किसी बच्ची की शादी इत्यादि हो रही हो, श्रृंगार दान करेंगे वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है।